अभिनंदन और स्वागत है आप सबका YouTube के लर्निंग लोकस चैनल पर। आज 4 नवंबर 2019 है। आज करंट अफेयर्स में कुल 9 टॉपिक्स हैं जिन्हें 9 प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारत व उज्बेकिस्तान की संयुक्त मिलिट्री युद्धाभ्यास का नाम क्या है? इसका उत्तर है दस्तलिक। दस्तलिक है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो भारत और उज्बेकिस्तान कर रहे हैं आज से। आज 4 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक चलेगा दस्तलिक। यह चिरचिक में चलेगा। चिरचिक उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के पास है और यह एक्सरसाइज काउंटर टेररिज्म पर आधारित होगा। इस तरह से पहला प्रश्न होता है, भारत व उज्बेकिस्तान की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक के बारे में काउंटर टेररिज्म पे 4 नवंबर से 13 नवंबर तक, और हो गए चिरचिक अर्थात उज्बेकिस्तान में ही ताशकंद के पास। पांचवी, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यह आयोजित होगा कोलकाता में और यह 5 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक चलेगा। इस साइंस फेस्टिवल का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इस साइंस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत ने क्या योगदान दिया है इसे प्रदर्शित किया जाएगा। भारत ने क्या योगदान दिया है इसे प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही इस साइंस फेस्टिवल का उद्देश्य है कि हमारे देश के लोगों में साइंटिफिक प्रवृत्ति को बढ़ाना तथा साथ में साइंस और टेक्नोलॉजी का, विज्ञान और तकनीकी का किस तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके उसके लिए रणनीति बनाना। तो यहाँ पे साइंस फेस्टिवल में कोशिश की जाएगी लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़े और साथ में ही ऐसा कुछ योजना बनाए ताकि विज्ञान और तकनीकी का इंक्लूसिव ग्रोथ हो। यही दो उद्देश्य है इस इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का जो कोलकाता में होने वाला है। भारत व बांग्लादेश की 9वीं मैत्री वार्ता कहाँ हुई है? मैत्री वार्ता अर्थात फ्रेंडशिप डायलॉग 9th नंबर की हुई है। नाम है कोक्स बाजार, यह जगह का नाम है जो बांग्लादेश में है। कोक्स बाजार में हुई है 9th फ्रेंडशिप डायलॉग भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसके माध्यम से दोनों देशों ने उन सब मुद्दों को इकट्ठा करने की कोशिश की है जिसे बातचीत हो सके, साथ में ही पारस्परिक सहयोग से व्यापार को बढ़ाने पे बातचीत किया है। 9th मैत्री वार्ता में इसे आयोजित किया है संयुक्त रूप से इंडिया फाउंडेशन और बांग्लादेश फाउंडेशन ने, दोनों ने मिलकर इस 9वीं मैत्री वार्ता को आयोजित किया हुआ है कोक्स बाजार में। याद रखेंगे कहाँ पे हुआ है, 9th फ्रेंडशिप डायलॉग कोक्स बाजार में जो कि बांग्लादेश का एक जगह है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ किसने ली है? यह प्रश्न SSC रेलवे के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश PCS के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसकी नाम है इनका जस्टिस अजय कुमार मित्तल, इन्होंने लिया है चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया हुआ है अजय कुमार मित्तल ने। इन्हें शपथ दिलाया है मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं उस राज्य के राज्यपाल। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने शपथ दिलाया है जस्टिस अजय कुमार मित्तल को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। देव दीपावली कहाँ मनाई जाती है? इसका उत्तर है वाराणसी मनाई जाती है देव दीपावली। यह हर साल मनाई जाती है कार्तिक महीने के पूर्णिमा के दिन को। कार्तिक महीने में जो पूर्णिमा की तिथि होती है उसी तिथि को मनाई जाती है देव दीपावली। इस साल यह तिथि 12 नवंबर को है तो इस तरह से 12 नवंबर को मनाई जाएगी वाराणसी में देव दीपावली। इस अवसर पे गंगा के विभिन्न घाटों पर एक साथ 11 लाख मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे और इसके अतिरिक्त
12 नवंबर को ही गुरु नानक देव जी की जयंती है, जो कि 550वीं जयंती है। तो 12 नवंबर को मनाया जाएगी देव दीपावली, साथ में 12 नवंबर को है गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती। इस जयंती के बारे में हम बहुत बार बार चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत बार बार इसमें बातें सामने आ रही है। हल्दिया से गुवाहाटी तक मालवाहक जहाज सर्वप्रथम कब जाएगा? आज जाना है, 4 नवंबर को जाना है। मालवाहक जहाज मतलब कार्गो शिप है जो सामान लेकर जाएगी। आज 4 नवंबर को हल्दिया से, हल्दिया है पश्चिम बंगाल में और गुवाहाटी आप जानते हैं असम की राजधानी है, तो हल्दिया से गुवाहाटी जाना है। तो इस तरह से बांग्लादेश आप मैप में देख सकते हैं, इस तरह से बांग्लादेश मार्ग से इसे गुजरना पड़ेगा, तो इसे जाना है, आज शुरू होना है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब पश्चिम बंगाल से सामान हम गुवाहाटी तक भेज सकते हैं। गुवाहाटी क्या, नेशनल वाटरवेज 2 तक। आप देखिए मैप इसमें चित्र में दिया है, नेशनल वाटरवेज 2 का दिया है कि धुबरी से लेकर सादिया तक है नेशनल वाटरवेज 2, मतलब यह पूरा अरुणाचल प्रदेश तक है। तो अगर हम देखें तो नेशनल वाटरवेज 2 यहाँ लेकर धुबरी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक वहाँ तक है, और फिर साथ में हम जानते हैं अभी देख लेंगे। तो प्रश्न का उत्तर होगा 4 नवंबर और फिर भारत बांग्लादेश मार्ग से जाएगा। नेशनल वाटरवे 1 के बारे में देख लेते हैं पहले। नेशनल वाटरवे 1 प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक है। हल्दिया समझ गए हैं आप, यह वेस्ट बंगाल में है और इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह नेशनल वाटरवे 1 की बात कर रहे हैं। नेशनल वाटरवे 1 3 नदियां हैं इसमें, गंगा, भागीरथी और हुगली, और 4 राज्यों से गुजरता है यह नेशनल वाटरवेज, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। लंबाई बता दिया आपको 1620 किलोमीटर। तो आप यहाँ देखिए, अब अलाहाबाद अर्थात प्रयागराज से हल्दिया तक कार्गो शिप जाता है, शुरू हो गया है, और फिर अभी शुरू हो जाएगा हल्दिया से लेकर गुवाहाटी तक का। इसका मतलब है कि हम प्रयागराज से गुवाहाटी तक भी कार्गो शिप भेज सकते हैं, और अधिक कहें तो अरुणाचल प्रदेश तक भेज सकते हैं, क्योंकि नेशनल वाटरवेज 2 जो हम चित्र में देख रहे हैं सर्कल में घिरा हुआ है, यह ब्रह्मपुत्र नदी है उस पे है, उसको मनाया गया है नेशनल वाटरवेज 2। देखते हैं नेशनल वाटरवेज 2 के बारे में। नेशनल वाटरवेज 2 सादिया से धुबरी तक है, ब्रह्मपुत्र नदी से पेर पर है ये, और 891 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस तरह से देखा हमने प्रश्न संख्या 6 कि हल्दिया से गुवाहाटी तक मालवाहक जहाज आज शुरू होगा। किस कंपनी ने नैनो टेक्नोलॉजी आधारित उर्वरक क्षेत्र परीक्षण के लिए उतारा है? क्षेत्र परीक्षण मतलब फील्ड ट्रायल के लिए उतारा है। नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड फर्टिलाइजर उतारा है किस कंपनी ने? चित्र से आपको आंसर मिल चुका है, कंपनी का नाम है इफको। इफको ने उतारा है, नाम होगा जो उर्वरक होंगे, नाम उनका होगा नैनो नाइट्रोजन, नैनो जिंक, नैनो कॉपर इत्यादि। इससे यह पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है तथा इससे किसानों की आय को दोगुना करने में सहायता मिलेगा, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्टिलाइजर से। स्थानीय आतंकवादियों की वापसी हेतु भारतीय आर्मी ने जम्मू कश्मीर में किस ऑपरेशन को शुरू किया है? चित्र से अब उसका उत्तर मिल चुका है आपको, उत्तर है ऑपरेशन मां। इसको शुरू किया है इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर में, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग जो आतंकवादी बन गए हैं उन्हें उनके घर वापस कर दिया जाए। और इस अभियान के तहत अभी करीब 50 के करीब आतंकवादी अपने परिवारों से जुड़ गए हैं। तो यह है ऑपरेशन मां, आर्मी ने शुरू किया है और यह जम्मू कश्मीर में है, आतंकवादियों की घर वापसी के लिए है ये। इजराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर का नाम क्या है जो मिस्ड कॉल के द्वारा व्हाट्सएप में पहुंच जा रहा है? अभी अभी आया हुआ है, बहुत ही ये चल रहा है, व्हाट्सएप हैक हो चुका है, विश्व के बहुत से लोगों का व्हाट्सएप अकाउंट हैक किया गया है। और सॉफ्टवेयर है एक इजराइल की कंपनी जिसका नाम है एनएसओ ग्रुप। यह कंपनी
एक स्पाई वेयर जिसका नाम है पेगासस, इस प्रश्न का उत्तर हो गया पेगासस। एक स्पाई वेयर है पेगासस, इस पेगासस को मिस कॉल के माध्यम से फोन में डाल देती है। फिर इस पेगासस की सहायता से सारे रिकॉर्ड्स पे फोन का एक्सेस कर लेती है। साथ में ही चाहे तो माइक्रोफोन ऑन कर सकती है, चाहे तो कैमरा ऑन करके भी ऑन भी कर सकती है, और इसे एक्सेस करने के जस्ट उस नंबर पे एक मिस कॉल करना है। तो ये काफ़ी ही अधिक न्यूज में है, इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और एग्जाम में पॉलिटिकल बातें तो नहीं आएगी, लेकिन सॉफ्टवेयर का नाम जरूर आएगा। सॉफ्टवेयर कहिए चाहे स्पाईवेयर कहिए, इसराइल के जासूसी सॉफ्टवेयर का नाम क्या है जो मिस कॉल के द्वारा व्हाट्सएप में पहुंच जा रहा है? उत्तर है पेगासस। तो दोस्तों, आज करंट अफेयर्स में 9 ही टॉपिक्स थे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अपने बहुमूल्य सुझाव दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच।